हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन डे वन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तुमको भी कंपनी को अगर ज्वाइन कर रहे हो तो पहले दिन तुम्हारे संग क्या क्या हो रहा होगा पूरे दिन, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। और ये थोड़ा स्पेशल वीडियो होने वाला है, ठीक है, एंड दिस विल बी वर्क फ्रॉम होम एडिशन, बिकॉज हमारा तुम्हें पता ही होगा कि लाइक आई हैव स्टार्टेड एज अ फुल टाइम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम ओनली। ठीक है, मैं घर से ही स्टार्ट किया हूँ एज एन FTE, तो मेरे को वो एक्सपीरियंस है ऑफिस का। लाइक डे वन में क्या होता है वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, तो जब मुझे अगर एक्सपीरियंस होगा तो मैं जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा दोनों के संग। बट अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम एडिशन शूट कर रहे हैं पूरे वीडियो को, ठीक है। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे तुम्हें सारे न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर तुम्हें C++ सीखना है, तुम्हें जावा जी सीखना है, तुम्हें पाइथन सीखना है, तुम्हें ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखना है, अगर तुम्हें ये सब सीखना, तुम्हें DSA सीखना है, तो तुम हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। प्ले सेक्शन में सारे वीडियोस के एडिटोरियल दिए हुए हैं, ठीक है, तो तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, आज की वीडियो को मैंने 8 पॉइंट्स में टोटल डिवाइड करके रखा है, तो हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट्स को समझ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि यार क्या क्या सीन पूरे दिन होता है डे वन में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर वन। तो एज यू नो दैट कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, तो यार तुम्हें लाइक नेसेसरी थिंग्स लाइक लैपटॉप हो गया, फिर सिक्योरिटी की हो गया, एंड कुछ कुछ जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो उसे तुम्हें पहले से मिल चुका होगा, ठीक है। बहुत लोगों को मतलब लैपटॉप डे वन के बाद ही मिलता है, बट जनरली FTE वाले केस में, लाइक उसे इंटर्नशिप वाले केस में हो रहा होता है, बट FTE वाले केस में मैक्सिमम लोगों को डे वन के पहले लैपटॉप, सिक्योरिटी की एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है। एंड नंबर टू, तो जनरली क्या होता है, जो तुम्हारे मैनेजर, लाइक डे वन में तुम्हें तो यार कोई भी चीज़ का एक्सेस नहीं हो रहा होता, राइट, कोई भी लाइक जिस कंपनी तुम ज्वाइन कर रहे हो तुम्हें कुछ एक्सेस नहीं हो रहा होगा, तो तुम्हारे मैनेजर का कॉन्टैक्ट, लाइक तुम्हें कॉल आ रहा होगा तुम्हें, एंड ही विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या स्टार्ट करना है, पूरे दिन का क्या रोड मैप होने वाला है, पूरा शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे मैनेजर से, एंड आई गेस फिर तुम्हें वो पूरा प्रोसेस करना होगा। पॉइंट नंबर थ्री, ही विल बी एडिंग यू इन द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। तो जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स होता है जिसमें टीम मेंबर्स एक दूसरे से बात करते हैं, क्रॉस टीम्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तुम्हें तुम्हारे मैनेजर्स उसमें ऐड कर देंगे, एंड उसके बाद तुम यार बाकी डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स के संग बात कर सकते हो, क्रॉस टीम में भी बात कर सकते हो, राइट। तो जनरली बहुत सारी कंपनी स्लैक यूज करती है, तो आई गेस अगर तुम्हारी कंपनी स्लैक यूज कर रही होगी तो तुम्हें स्लैक में ऐड कर दिया जाएगा, वरना यार डिफरेंट कंपनीज अपने अपने इंटरनल कम्युनिकेशन टूल बना लेते हैं, तो यार उसमें तुम्हें ऐड कर दिया जाएगा, फिर तुम वहां पर इजिली कनेक्ट कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट पीपल के संग। अगर और भी कोई नए बंदे हायर हुए होंगे तो उन लोगों के संग भी कनेक्ट कर सकते हो इजिली। पॉइंट नंबर फोर, यू विल बी गेटिंग सम लाइक टीम मीटअप सेशंस, ठीक है। तो यार जैसे कि तुम्हारा डे वन है तो कुछ कुछ मीटिंग शेड्यूल किए जाएंगे जिसमें तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स आएंगे, सारे न्यू ज्वाइनीज आएंगे, और उसमें एक सेशन हो रहा होगा, बेसिकली इट विल बी एन इंट्रोडक्शन सेशन, जिसमें यार सारे टीम मेंबर्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपने अपने बारे में बताएंगे, बेसिकली इट विल बी अ टीम बॉन्डिंग सेशन, ठीक है, जिसमें तुम अपने टीम मेंबर्स के बारे में जानोगे, तुम्हारे टीम मेंबर्स तुम्हारे बारे में जानेंगे, राइट। जनरली यार तुम ही जान रहे हो बिकॉज तुम न्यू हो, राइट, सो यू विल बी गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स, उन लोगों के संग बातचीत तुम्हें करने को मिलेगा, एंड तुम्हें बेसिकली जानने को मिलेगा उन लोगों के बारे में, राइट। तो या यू विल बी गेटिंग ओवरव्यू ऑफ योर टीम इन दैट टीम बॉन्डिंग सेशंस। किसी किसी का डे वन में होता है, मैक्सिमम लोगों का डे वन में ही हो जाता है, किसी किसी का डे टू डे थ्री में भी हो रहा होता है। पॉइंट नंबर फाइव, अब जैसे कि तुम कंपनी को ज्वाइन कर चुके हो तो नेक्स्ट काम क्या होता है, टास्क, राइट। टास्क करने से पहले तुम्हें वो टास्क करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स वो तुम्हें आने चाहिए, राइट। सो योर लाइक योर मैनेजर और योर बडी या फिर योर मेंटर, कोई भी मान के चलो, सो ही विल बी गिविंग यू सम लर्निंग सीरीज, जिसमें तुम्हें यार जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा होगा कंपनी में उसका कुछ एडिटोरियल्स या फिर कुछ वीडियोस तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे मेंटर मैनेजर की तरफ से, और फिर तुम्हें वो स्टडी करना होगा डे वन में, मतलब डे वन से स्टार्ट हो जाएगा, बट तुम्हें वो स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे जो यार टेक्नोलॉजी स्टडी करने के रिक्वायर्ड है, तो वो से तुम्हें स्टडी करना होगा जो कि तुम्हारे टास्क में रिक्वायर्ड होंगे, राइट। एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट विच योर कंपनी इज डेवलपिंग, राइट, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जो तुम काम करने वाले हो उस प्रोडक्ट का वॉक थ्रू करवाया जाएगा थ्रू सम वीडियोस और फिर KT सेशन, दैट इज नॉलेज ट्रांसफर सेशंस बाय सम डिफरेंट SDs, ठीक है। तो तुम्हें यार प्रोडक्ट के बारे में समझने को मिलेगा, तुम्हें लर्निंग सेशंस मिलेंगे कि क्या क्या सीखना है,
जो टेक बेसिकली क्या क्या सीखना है तुम्हारे जो टास्क है उसको करने के लिए, राइट. पॉइंट नंबर सिक्स, यू कैन एक्सपेक्ट लाइक लॉट्स ऑफ मेल्स इन डे वन. ठीक है, अगर तुम्हें यार मेलिंग लिस्ट में ऐड किया जाएगा तो डे वन में बहुत सारे मेल्स आ रहे होते हैं और मतलब दिमाग खराब हो जाता है यार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मेल वगैरह आते रहते हैं. तो हाँ यार डे वन में तुम्हें यार बहुत सारे मेल्स आ रहे होंगे जिसमें यार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उन लोगों को. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अगर कोई प्रीवियस और में तुम इंटर्नशिप किए हो बट तुम्हारा इंटर्नशिप लेटर पहले कभी नहीं मिला था एंड लाइक पहले भी कुछ कुछ फॉर्म्स ये लोग भरवाते हैं कुछ कुछ कंपनीज लोग बट कुछ लोग यार डे वन में ही भरवाते हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम अगर तुम कोई प्रीवियस कंपनी में इंटर्नशिप करके रखे हो तो उसका जो इंटर्नशिप लेटर होता है उसके लिए उसका रिक्वायरमेंट के लिए कोई मेल आएगा या फिर तुम्हारा तुम्हें डिग्री पहले नहीं मिला होगा अभी डिग्री जाके मिला है या फिर तुम्हारा कॉलेज का बीटेक डिग्री या फिर तुम्हारा हो गया कंसोलिडेटेड मार्कशीट उसके रिक्वायरमेंट के लिए ईमेल्स आएंगे या फिर तुम्हारा जो होता है ना बैंक डिटेल्स जिसमें तुम्हारा पेमेंट आ रहा होगा तो बैंक डिटेल्स के लिए एक मेल आ रहा होगा जिसमें लाइक उसके रिक्वायरमेंट के लिए. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मेल्स आ रहे होंगे और तुम्हें वो सबमिट करना होगा. तो यार डे वन में यार मैक्सिमम टाइम तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने में ही रहा होता है. पॉइंट नंबर सेवन, यू कैन एक्सपेक्ट सम एचआर कनेक्ट सेशंस. ठीक है, तो यार मतलब ऐसा सीन होगा कि यार एक मीटिंग करवाई जाएगी उसमें एचआर रहेंगे बहुत सारे न्यू ज्वाइनर्स रहेंगे और वो लोग अपना सारा डाउट्स एचआर रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं एचआर से. फॉर एग्जांपल कि यार अगर जो तुम्हारा फॉर एग्जांपल जो मार्कशीट है ठीक है बट डिग्री फॉर एग्जांपल दे आर आस्किंग फॉर डिग्री एंड तुम्हें डिग्री अभी तक नहीं मिला है. कुछ कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं थोड़ा लेट देते हैं डिग्री तो उस अगर तुम्हें डिग्री नहीं मिला है अभी तक बाद में मिलने वाला है तो तुम क्या करोगे नेक्स्ट प्रोसेस वो तुम एचआर से बात कर सकते हो. फॉर एग्जांपल पेमेंट रिलेटेड ठीक है तुमसे जैसे बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा फॉर द पेमेंट बट तुम्हारा फॉर एग्जांपल बहुत लोग होते हैं जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं ओपन रहता वो लोग अब ओपन करने वाले हैं तो जिनका ओपन नहीं किया हुआ है तो नेक्स्ट प्रोसेस उन्हें क्या करना होगा. तो ऐसे बहुत सारे एचआर रिलेटेड डाउट्स रहते हैं और यार जनरली जो लोग न्यू ज्वाइन करते हैं उन्हें बहुत डाउट्स रहता है मुझे बहुत सारे डाउट्स है. तो यार जो भी डाउट्स होंगे तुम इजीली एचआर सेशंस में कनेक्ट करके सब डिस्कशन कर सकते हो एचआर के संग जो भी डाउट है सब पूछ सकते हो. पीएफ रिलेटेड डाउट हो गया पेंशन रिलेटेड डाउट हो गया कोई भी डाउट है एचआर रिलेटेड सिंपली तुम एचआर संग एचआर का जो कनेक्ट सेशन हो तुमसे पूछ सकते हो. एंड पॉइंट नंबर 8 दैट इज द लास्ट पॉइंट दैट इज you can expect some 1:1 sessions या meetings with some SDEs या फिर managers जिसमें वो लोग यार पूरा entire process explain कर रहे होंगे. that is for example तुम्हारा 1:1 session मतलब क्या होगा कि तुम्हारा और कोई एक SDE के बीच में एक meeting हो रहा होगा या फिर तुम्हारा या फिर किसी एक manager के बीच में एक meeting हो रहा होगा. तो for example let's discuss कि अगर तुम्हारा और कोई एक team member के संग like कोई SDE के संग तुम्हारा 1:1 अगर meeting हो रहा है so in that meeting you can ask एनी क्वेश्चन मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो कि यार टीम में कैसा काम होता है कैसा वर्क कल्चर है टीम का कितने बजे से कितने बजे सब मैक्सिमम लोग ऑनलाइन रहते हैं कितने बजे से कितने बजे तक सब काम कर रहे होते हैं प्रमोशन के लिए क्या क्या करना होता है एंड ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस टीम एंड किस किस टेक में काम हो रहा है कौन सा प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट सब कुछ तुम बात कर सकते हो मैनेजर से या फिर SDE से जिसके संग तुम्हारा 1:1 सेशन हो रहा होगा. ठीक है तो एनी डाउट जो भी डाउट होगा तुम्हारा तुम पूछ लेना उन लोगों से जो 1:1 सेशन हो रहा होगा. सो यार दिस आर द थिंग्स और तो यार ज्यादा कुछ होता नहीं है डे वन में ये सब चीजें होती हैं. आई गेस मैं ज्यादा कुछ ही बोल दिया बट यू कैन एक्सपेक्ट कुछ कुछ चीजें डे टू डे थ्री में भी होंगे बट या दिस आर द थिंग विच यू कैन एक्सपेक्ट इन योर डे वन. ठीक है तो लाइक this was these things I told you from my personal experience but yeah there can be some other things as well. offline wala agar mera hota hai day one ki kabhi bhi to I will share that as well with you all guys. so yeah this things I wanted to share with you all guys in today's video. agar tumhe video dekhkar maza aaya hai samajh aaya hai informative laga hai to please video ko like maar dena channel mein agar tum log naye ho ke abhi tak subscribe agar nahi kiye ho to jaake video channel ko subscribe kar do and bell icon ko press kar sakte ho jisse tumhe sari new videos ki updates sabse pehle milte rahe. theek hai to yeah this was the thing I wanted to share with you all guys. इतना ही आज के वीडियो में चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों को मैं न्यूटन स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं. सो न्यूटन स्कूल प्रोवाइड वन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स विच विल मेक यू इंटरव्यू रेडी दैट इज प्लेसमेंट के लिए तुम्हें प्रिपरेशन करवाया जाएगा एंड या दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी फीस. ठीक है बोलो फीस नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस यू आर गेटिंग अ पैकेज ऑफ 5 लाख एंड अबव. अगर तुम्हें 5 लाख या उससे ज्यादा का पैकेज मिल रहा है तभी वो लोग
पेमेंट ले रहे हो तुमसे, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी फीस फ्रॉम यू ऑल गाइज. ऑल्सो यू विल बी गेटिंग सम लाइव, इफ यू आर एनरोलिंग इन दिस कोर्स यू विल बी गेटिंग सम लाइव क्लासेज, यू विल बी गेटिंग असाइनमेंट्स टू डू, यू विल गेट सम लाइव प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन, यू विल गेट द मेंटरशिप एज वेल एज लाइक वो लोग पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है. तो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दोस आउट. ओके, तो यार इतना ही आज की वीडियो में, चलो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा.